नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी सॉन्ग का डमी है उस पे मिक्स रिदम कैसे लगाया जाता है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे भी मज़ेदार मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो हरदम आपके बीच लाता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, देखते हैं कि डमी पे रिदम कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक रिदम ले लिया है 130 टेम्पो का और एक डमी ले लिया हूँ 130 टेम्पो का। दोनों 130 टेम्पो का है और यहाँ पर मैं 130 कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पर बढ़ाने घटाने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर स्क्रोलर बटन से कीजिएगा तो आप कर सकते हैं। तो 130 में कर दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, डमी जो है मेरा यहाँ पर है ये चीज़। तो इसको देखिए, मैं कितना पार्ट छोड़ता हूँ। यहाँ पर जो है ये डमी है आपको 130 टेम्पो का है और रिदम भी सेम 130 टेम्पो का ही लेना है, नहीं तो इधर उधर लीजिएगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से मैं बजाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से है जो एक, यहाँ तक जो यहाँ से देखिए दो लिखा हुआ है, दो से मेरा स्टार्ट हो रहा है रिदम जो है, दो से मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो मैं दो से एक स्टार्ट करूँगा। देखिए यहाँ से दो से लेके तीन तक जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक हो गया, दो तीन चार, चार तक कट इन करना है यहाँ तक। ये हो गया म्यूजिक पार्ट के लिए, एक म्यूजिक पार्ट के लिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं खींच देता हूँ इधर, ठीक। ये हो गया मेरा एक म्यूजिक पार्ट, इतना बड़ा है लेकिन इसमें एक मेरा म्यूजिक पार्ट हो गया, ठीक है। और ये देखिए, एक दो तीन चार, यहाँ से कट इन कर दीजिए। ये मेरा हो गया दूसरा म्यूजिक पार्ट, जो म्यूजिक जो बिंजू बजता है, जिसमें स्ट्रिंग बजता है, लीड बजता है, ये सब के लिए ये पार्ट दिया गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी सेम चार पार्ट करेंगे, एक दो तीन चार, चार यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब कि दूसरा इफेक्ट है। देखिए यहाँ से मैं डमी का लगाता हूँ भोकल। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, बहुत ही बढ़िया आया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दो पार्ट छोड़ना है, जैसे यहाँ पर चार छोड़ रहे थे ना, एक दो तीन चार, यहाँ पर दो छोड़ना है म्यूजिक पार्ट के लिए। वन टू थ्री फोर। यहाँ पर देखे, यहाँ पर मैं चेंज किया हूँ, यहाँ पर देखे नजर हो, यहाँ पर कुछ बजेगा पार्ट, यहाँ पर म्यूजिक पार्ट हल्का सा बजेगा, फिलर जिसको बोला जाता है। देखे जानू छूट जो लिखा है, जानू छूट जाए ना ना ना, यहाँ पर सम पे गिर रहा है, जानू छूट जो है सम पे। यहाँ देखिए, यहाँ पर कमेंट है तो कमेंट मैं अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर म्यूजिक पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सेम, अब वहीं से कभी म्यूजिक पार्ट, वन टू थ्री फोर, फोर पे इतना हो गया। फिर उसके बाद मैं इसको इधर कर रहा हूँ,
यहाँ से देखिए 1 2 3 4 फोर पे यहाँ पर कट कर दिया हूँ, इसको मैं यहाँ पर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिकअप हो गया है, इसको मैं कटिंग कर कर इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर इसको मैं खोल देता हूँ इधर। देखिए अच्छा ऐसा का यहाँ पर जैसे मुखड़ा में किया हूँ मैं, देखिए यहाँ पर जो है दो पार्ट छोड़ा था 1 2 म्यूजिक पार्ट के लिए, तो यहाँ पर भी वैसे ही मैं छोड़ा हूँ 1 2 1 2 3 4। ये देखिए इसी तरीका से आपको डमी निकालना है, डमी बनाना है रिदम, जैसे कि ये डमी हो गया तो मैं यहाँ से इसको सेव कर दिया हूँ, ठीक है ये डमी हो गया और ये रिदम हो गया। तो रिदम देखिए अब दूसरा अगर लगाना होगा इसी पे दूसरा रिदम, मान लीजिए कि इसमें तो ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हूँ मैं, अपना दूसरा रिदम निकाल रहा हूँ। और आपको रिदम खरीदना है मुझसे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 130 का मैं दूसरा रिदम लगा रहा हूँ, मैं इसको ही लगा रहा हूँ। देखिए ये वाला हो गया, मैं इसको थोड़ा सा वैल्यूम ज़्यादा कर देता हूँ, कम है बहुत। यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इसमें देखिए कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर कट इन कर देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ, एक पीछे से मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर जॉइंट कर दूँगा। देखिए यहाँ से पीछे में कर दिया, 1 2 3 4 हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए एक कम हो रहा है, तो इसमें इसको कर दिया इधर, इसको मैं यहाँ पर कर दिया, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है आपका, 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है, तो मैं वोकल को यहाँ पर मैं इधर कर दिया। देखिए ये वाला है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया हूँ जो कि पिकअप बढ़िया से लगे, और मैं इसको 1 बीट इधर बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर जैसे कि 1 2 यहाँ पर छोड़ा था जैसे, उसके लिए मैं किया हूँ ये चीज़, ठीक। यहाँ पर मैं इसको 1 बीट काट कर इसको मैं बढ़ा दिया, इतना मैं कर दिया। इसी में अगर मैं कॉर्ड बेस सेक लगा देता हूँ कोई भी, देखिए नेक्सस का मैं कॉर्ड बेस सेक लगाता हूँ तो बहुत ही खिलकर आवाज़ आएगा और रिदम भी खिलकर बजेगा। बहुत लोग कहते हैं कि ना बढ़िया नहीं बज रहा, तो भाई कॉर्ड बेस लगाएगा तभी तो बढ़िया बजेगा, उसके में कॉर्ड बेस नहीं लगाएगा तो कहाँ से बजेगा। देखिए कोई भी स्केल का हो, मैं देखिए मैं कॉर्ड बेस लगा दिया हूँ,
यहाँ पर देखिए ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर एक स्पेस ज़्यादा में कर दिया। देखिए यहाँ पर है पिकअप थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको खींचकर इधर कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है यहाँ का, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जो कि परफेक्ट लगेगा। देखिए एक बिट में इसको हटाकर यहाँ पर डाल कर देखता हूँ थोड़ा सा और आगे, और बढ़िया लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से डिलीट कर दूँगा। अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इधर कर रहा हूँ म्यूजिक पार्ट के लिए, एक दो यहाँ पर यहाँ तक हो गया। मैं इसको यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक, अच्छा लगेगा यहाँ से। मैं इसको इतना डिलीट कर देता हूँ, इतना मैं इसको मैं खोल देता हूँ। अब देखिए यहाँ तक हो गया 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद में यहाँ के बाद में 1 2 3 4, यहाँ से मेरा अंतरा स्टार्ट हो रहा है। तो अंतरा का देख लेना है इधर। देखिए इसको मैं डिलीट में कर देता हूँ और यहाँ से मेरा इतना रह जाएगा। ठीक, उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। मैं इसको इधर कर देता हूँ। अब देखिए वोकल के साथ मैं बजा रहा हूँ। ठीक, और इससे भी बढ़िया अगर आपके पास रिदम है तो आप लगा सकते हैं। मैं टेम्प्रोरी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से इसको किया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ तक है। देखिए यहाँ तक आपको यही वाला डालना है, फिर उसके बाद में देखिए और देखिए तो मोन तो यहाँ पर भी है वही चीज। अब यहाँ से आपको ये पूरा कॉपी कर लेना है, यहाँ तक आपको पूरा कॉपी कर लेना है। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ तक मैं कॉपी कर यहाँ पर मैं कर दिया। इसको मैं कोड बेस ऐसे ही लगाया हूँ, कोड बेस प्रोफेशनल नहीं लगाया हूँ कि यही चीज़ कोड बेस लगेगा ही, कोड बेस सुर के अनुसार लगता है। मिस्टर नाम देखिए मैं यहाँ पर गया, इसको मैं इधर किया हूँ और एंडिंग वाला लगाना है मुझको, तो यहाँ पर मैं लगा दिया, एंडिंग कर दिया मैं इसको, एंडिंग में यहाँ पर कर दिया हूँ। इसको मैं कटिंग कर यहाँ पर।
और कोड बेस और भी लगाना है तो और भी लगा सकता हूँ, कि खुल कर बचता है ऐसे दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ आधा, एक पैटर्न वाला लगेगा, इसको मैं दूसरा लगा देता हूँ, यहाँ पर है इसको मैं लगा देता हूँ। देखिए अब देखिए यही कितना बढ़िया बजने लगा। इसी तरीका से आपको कोई भी है डमी है उसका रिदम आपको बनाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा ही ऐसा वीडियो आपके बीच में हरदम लाता रहता हूं। तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। जब तक ले जय हिंद।